Hi guys, this is Vanya Mishra and welcome back to my YouTube channel. So, आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ that how you can travel for your Bali trip. So, आज से 2 महीने पहले मैंने Bali travel किया था and I was also super confused before leaving for Bali कि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं अपने साथ क्या रखूँ, मुझे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती, किस टाइप के मैं कपड़े कैरी करूँ. बहुत कन्फ्यूजन था लिटरली. सो मैं तो अपने साथ लिटरली सब भर के ले गई थी. सो मैं नहीं चाहती कि आप लोग भी वही सेम चीज़ करें. दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू गाइज, ताकि आप लोग उस हिसाब से प्लानिंग कर सकें. बट वीडियो पर जंप करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे फेस को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, देन प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई यूट्यूब चैनल. एंड चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स क्विकली जंप इनटू टुडेज वीडियो. ओके, सो अब हम बात कर लेते हैं सबसे एसेंशियल चीज़ की, जो कि आपको हमेशा ही काम में आती है, वो है कपड़े. सो किस टाइप के कपड़े आप लेके जा सकते हैं, क्या आपको यूजफुल एक्चुअली हो सकता है. सो आई एम गोना स्टार्ट विथ मी कि मैं किस टाइप के कपड़े ले गई थी. सो देखिए, बिकॉज ये एक बीची वेकेशन होने वाली है एंड ज़्यादातर आपका काम पानी में होने वाला है, बिकॉज बीट वाटरफॉल्स और बीचेस आप हमेशा ही गीले होने वाले हैं. सो आपको नहीं चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा फुल लेंथ के कपड़े पहने, रादर यू विल वांट कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्टेबल कपड़े पहने. सो आई एम गोना टेल यू व्हाट आई बॉट. सो सबसे पहले आप 3 से 4 पेयर ऑफ शॉर्ट्स ऑर्डर कर लीजिए, बिकॉज शॉर्ट्स विल बी द मोस्ट कम्फर्टेबल बॉटम यू कैन वेयर ड्यूरिंग योर ट्रिप. एंड उसके बाद शॉर्ट्स के ऊपर पहनने के लिए आपको इस तरीके के स्पेगेटी टॉप्स ले लेने चाहिए, काफ़ी सारे, ट्रस्ट मी. बिकॉज टी शर्ट्स वगैरह में भी उतना मज़ा नहीं आएगा. मे बी आप लोग 1-2 टी शर्ट्स रख सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट यू टू कीप दिस काइंड ऑफ स्पेगेटीज, बिकॉज ये कूल भी लगती है पहनने के टाइम एंड आपको इसमें गर्मी भी नहीं होती बिल्कुल भी. एंड अगर आप लोगों को सनबर्न का टेंशन हो रहा है या टैनिंग का टेंशन हो रहा है, तो आप एक पुलोवर शर्ट ले सकते हैं लिनन वगैरह के, बिकॉज लिनन थोड़ी सी ठंडक करता है, लिनन का फैब्रिक. एंड बाली में यूजुअली गर्मी होने वाली है. शॉर्ट्स एंड स्पेगेटीज के अलावा आप लोग कुछ कैजुअल ड्रेसेस भी रख सकते हैं, जो कि आपको काम आने वाली हैं अगर आप लोग क्लबिंग में जा रहे हैं या फिर अगर आप लोग किसी कैफे पे लंच और डिनर पे जा रहे हैं, तो ड्रेसेस भी बहुत कूल लगती हैं. बट आई विल टेल यू, बहुत ज़्यादा ग्लिटरी या बहुत ज़्यादा पार्टी वेयर ड्रेसेस रखने की ज़रूरत नहीं है. सुपर डुपर कैजुअल ड्रेसेस ही रखिएगा जो आप एक्चुअली में कैरी कर पाएँ, बिकॉज वहाँ पर जाने के बाद ना इतनी झल्ली जैसी हालत हो जाती है कि आप वैसे भी बहुत ज़्यादा ऐसे बन ठन के नहीं घूमते, आप बस बहुत ज़्यादा ऐसे रॉ ही हो जाते हैं. मतलब एटलीस्ट दैट्स वॉट I personally felt. And ज़्यादा ऐसी पार्टी वेयर ड्रेसेस ना सिर्फ और सिर्फ आपके बैग में फोल्ड रखी ही रहती हैं, वो यूज़ नहीं आती, इसलिए उन पर पैसे वेस्ट करने से अच्छा आप कैजुअल ड्रेसेस ले लें. आप स्कर्ट्स एंड टी शर्ट्स ले सकते हैं. सो ये सारी चीज़ें बहुत कूल लगेंगी. इसके अलावा डो नॉट फॉरगेट टू कीप सम सैरोंग्स विथ यू, बिकॉज अगर आप लोग बीच साइड पे जा रहे हैं तो आपको सैरोंग बहुत हेल्प करने वाला है. यू नो, बीच से निकल के आने के बाद एकदम अगर आप गीले हैं तो आप सैरोंग डाल लीजिए, या फिर आप ऐसे रैप अराउंड स्कर्ट्स जो बीच की आती हैं वो ले सकते हैं. एंड डू नॉट फॉरगेट टू कीप स्विम सूट्स विथ यू. आई एम टेलिंग यू, ये दोनों के लिए, लड़की लड़कों दोनों के लिए है. सो नो मैटर, अगर आपने आज तक कभी स्विम सूट नहीं पहना है, दैट्स टोटली फाइन. मेरा भी ये फर्स्ट टाइम था वेयरिंग अ स्विम सूट ऑन माई वेकेशन, बिकॉज इंडिया में आप स्विम सूट कहीं नहीं पहन सकते. दीज मेन्स आर नॉट गोना जस्ट वॉक अराउंड वेयरिंग अ स्विम सूट, घूर घूर के मार डालेंगे. बट बाली में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, सभी लोग वहाँ पे ऐसे घूमते हैं. सो यू कैन यू नो ईजिली रोम अराउंड वेयरिंग अ वेरी नाइस बिकिनी और स्विम सूट. बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप स्नॉकलिंग कर रहे हैं, स्कूबा डाइविंग कर रहे हैं, इनफैक्ट आप नॉर्मल बीच पर भी बैठे हैं ना, सो ट्रस्ट मी, यू हैव to keep at least 2 or at least 1 pair of bikini with you, because that's really gonna help. And उसके ऊपर आप एक pullover या फिर एक sarong या इस type की कुछ रख सकते हैं, अगर if you're not that comfortable इतनी जल्दी से, because I can understand we live in India and हम बचपन से swim suits या bikini पहन के बड़े नहीं हुए होते. Let's be honest, हमारे parents इतने ज़्यादा भी मतलब मेरे तो एटलीस्ट नहीं ही है, आपके I don't know. So yeah. So अब हम बात करते हैं footwears की. सो लड़कियों के लिए फुटवेयर्स में सबसे ज़्यादा जो कंफर्टेबल ऑप्शन है वो है क्रॉक्स. सो मैंने पूरी ट्रिप में क्रॉक्स ही पहनी थी, बिकॉज एक तो वो वाटरप्रूफ होती हैं, दूसरा इजीली जल्दी से ड्राई हो जाती हैं एंड कंफर्टेबल भी होती हैं. अगर आप लंबे टाइम पे ट्रैवल कर रहे हैं, ज़्यादा चल रहे हैं, तो भी आपके पैरों में दर्द वर्द नहीं होता. सो क्रॉक्स के अलावा आप एक पेयर शूज़ का भी रख लीजिएगा. ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप वाटरप्रूफ शूज़ ही रखें, बिकॉज आप वाटरफॉल वगैरह जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं. आप नॉर्मल कोई से भी स्पोर्ट्स शूज़ भी रख सकते हैं. हालांकि मैंने तो पर्सनली क्रॉक्स ही पहनी थी पूरी ट्रिप में, बीट वाटरफॉल और जंगल फॉरेस्ट सब जगह मैंने स्लिपर्स या फिर क्रॉक्स पहनी थी. एंड फॉर बॉयज ऑल्सो आई टेल द सेम थिंग कि क्रॉक्स रखिए या फिर नॉर्मल जो हमारी देसी चप्पल्स आती है ना, वैसी चप्पल्स रखिए, बिकॉज बीच वगैरह में वो चप्पल्स बहुत कंफर्टेबल होती है. सो एक क्रॉक्स, एक नॉर्मल चप्पल आपकी, और एक आप अपना स्पोर्ट शूज रख सकते हैं. एंड अगर आपको बहुत ज्यादा क्लबिंग करना, तो एक नॉर्मल बिना हील की नॉर्मल सी सैंडल रख लीजिए. बट मैंने रखी थी, मेरे किसी काम की नहीं है, मैं हर जगह क्रॉक्स ही पहनी. मैंने कहा ना, आप ट्रिप जाते हैं जब, तो
तो बहुत ज्यादा झल्ले टाइप के हो जाते हैं, आप इतना कोई बन ठन के घूमने में नहीं लगते, बिकॉज ना आपको वैसा लग रहा होता है ना ऑल द टाइम, आप तो ह्यूमिडिटी बहुत होती है, फिर आप सन टैन ऑलरेडी हो ही जाते हो, आप बहुत ज्यादा आपको ऐसे एलिगेंट सोफिस्टिकेटेड लगने का मन ही नहीं करता. सो दैट्स हाउ आई पर्सनली लाइक टू ट्रैवल ड्यूरिंग माय ट्रिप्स, बीट एनी वेयर, इंडिया में भी मैं ऐसे ही घूमती हूँ, अगर मैं गोवा जा रही हूँ तो मैं जल्दी घूमूंगी. ओके, सो ये तो बात थी हमारी फुटवेयर्स एंड क्लोथिंग की. इसके अलावा एक बहुत बेसिक चीज़ है जो मैं बोल रही हूँ, सो बात आती है अंडरगारमेंट्स की. सो आप लोग बहुत सारे अंडरगारमेंट्स रख लीजिएगा एक्सेस में, बिकॉज वहाँ के मौसम का कुछ पता नहीं होता, कभी बारिश हो जाए कभी कुछ हो जाए, तो आपके पास एक्स्ट्रा पेयर ऑफ अंडरगारमेंट्स होने ही चाहिए फॉर जस्ट इन केस. एंड उसके अलावा फॉर ऑल द गर्ल्स, आप लोग बूट टेप्स एंड निपल टेप्स रखना मत भूलिएगा, बिकॉज अगर आप लोग इस टाइप के स्पेगेटी वाले टॉप्स पहन रहे हैं तो आपको वो बहुत काम में आने वाले हैं. एंड मोस्ट ऑफ द ट्रिप में मैंने बूट टेप या निपल टेप का ही यूज़ किया है. सो अब इसके बाद मैं अपने मोबाइल से बाकी के आइटम्स की लिस्ट खोलने वाली हूँ, बिकॉज आई हैव लिस्टेड डाउन एवरीथिंग, ताकि आप लोगों के लिए कुछ छूटे ना. सो ये लिस्ट ना मैंने पर्सनली अपने लिए बनाई थी, इसका नाम भी मैंने ये लिखा था बाली चेकलिस्ट करके. ओके, सो कपड़े हो गए हमारे, एंड उसके अलावा जो जो भी आइटम्स नेसेसरी हैं जो आपको यूज में आने वाले वो मैं यहाँ पे लिस्ट डाउन करती जाऊंगी. सो नेक्स्ट थिंग आती है एक सनस्क्रीन. आई नो इट्स वेरी बेसिक, बट फिर भी मैं आपको रिमाइंड कर रही हूँ, सनस्क्रीन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इफ यू आर ट्रैवलिंग टू एन आइलैंड लाइक बाली, बिकॉज सनबर्न आपका वैसे होना ही है, 100% सनबर्न होना है, बट क्यों ना थोड़ा सा कम हो जाए. एंड टैनिंग से प्रॉब्लम नहीं है मुझे, बट जो सन बर्न होता है ना, जो आपके स्किन में अजीब सा इचीनेस सी हो जाती है ना, दैट आई डोंट लाइक. मेरी तो बहुत सेंसिटिव स्किन है, तो मेरे तो पूरे पैर वैर जल गए थे. सो सनस्क्रीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सनस्क्रीन का सिर्फ छोटा ट्यूब मत रखिएगा कि जो फेस पे हो जाए, हाथ वाथ में हो जाए, आप ऐसा कोई SPF वाला बॉडी लोशन भी रख लीजिएगा, ठीक है. इसके अलावा सेकेंड थिंग जो मैंने अपने लिए ली थी वो है एक बॉडी ऑयल. सो बॉडी ऑयल मैंने इसलिए परचेज किया था बिकॉज बॉडी ऑयल ना, अगर आप इस टाइप के शॉर्ट ड्रेसेस पहनते हैं तो ऐसी बीची सी वेकेशंस में आपकी बॉडी अगर थोड़ी सी ग्लोई लगती है तो वो बहुत सेक्सी लगता है. एंड आई पर्सनली लव्ड यूजिंग बॉडी ऑयल ड्यूरिंग माई एंटायर ट्रिप. सो मैंने प्लम का हवाइन रुम्बा बॉडी ऑयल लिया था, मैं यहाँ पे इमेज डालूंगी कौन सा वाला लिया था, एंड इट वॉज सुपर गुड. सो वो मैंने स्पेसिफिकली ट्रिप के लिए लिया था. आप लोग भी कोई सा भी बॉडी ऑयल ले सकते हैं, बट दैट बॉडी ऑयल वॉज लिटरली गुड. एंड इसके अलावा आप ऑल आउट रखना मत भूलेगा, ऑल आउट या ओडोमॉस भी. इसके अलावा मैं एक और चीज मैंशन करना भूल गई, वो ये कि डू नॉट फॉरगेट टू कैरी योर डिओड्रेंट्स विथ यू. रोल ऑन्स ले जाइए बिकॉज गर्मी होने वाली है, एंड यू डू नॉट वॉन्ट टू स्मेल बैड. आपके पास अलग से शैम्पू कंडीशनर बॉडी वॉश तो होना ही चाहिए, बिकॉज Airbnb में ये सारी चीज़ें मुश्किल से मिलती हैं. इफ़ यू आर स्टेइंग इन अ होटल और सो तो बात अलग है, बट Airbnb में तो आपके पास सब होना ही चाहिए, आपका एक साफ टॉवल, ये सब चीज़ें यू हैव टू कीप. सो नेक्स्टली बैंडेज, तो बहुत सारी बैंडेज अपने साथ रखिएगा. ऑनेस्टली ये सारी चीज़ें ना मैंने सोच के रखी थी, तो बैंडेज ना आपको बहुत काम आएंगे. मैं तो इतनी टूटी फूटी हूँ ना, बिकॉज बीच में आप कई बार रॉकी बीचेस होते हैं बाली में, बहुत सारे रॉकी बीच है, तो रॉकी बीच में आपके घुटने में कहीं पैर में लगने के बहुत चांसेस हैं. सो बहुत सारी अच्छी 10-20 बैंडेड का पैकेट तो रख ही लीजिएगा, ठीक है. इसके अलावा मेडिसिंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिसिंस बिल्कुल मत भूलिएगा. हालांकि बाली के नॉर्मल जो मेडिकल स्टोर्स होते हैं ना, उन वहाँ के मेडिकल स्टोर्स को अपोतिक बोलते हैं, अपोतिक इफ आई एम सेइंग इट राइट. सो अपोतिक में आपको वहाँ के मिल जाएंगे, सारी मेडिसिंस मिल जाएंगी, एंड हम लोगों ने वहाँ से हॉट वाटर बैग भी लिया. बट स्टिल जो हमारी नॉर्मल मेडिसिंस जो हम इतने साल से खाते आए, लाइक कॉम्बिफ्लेम, पैरासिटामोल, क्रोसिन, ब्ला ब्ला ब्ला, एंड लड़कियों के लिए मेफ्टोल स्पास वगैरह, वो सब आप रख ही लीजिएगा, बिकॉज यू नेवर नो, आपको नहीं मिला तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी. एंड डायरिया की मेडिसिंस भी रख लीजिएगा, बिकॉज वहाँ पे बाली बैली होने के बहुत चांसेस होते हैं, पेट खराब हो जाता है वहाँ के खाने से, सब बोलते हैं. बट मैं आपको बोलूंगी कि इंडियंस की बहुत थिक स्किन होती है, हमें आसानी से ट्रैवलर्स डायरिया वायरिया नहीं होने वाला, हम लोग बचपन से धूल मिट्टी के पानी पूरी खा के बड़े हुए होते हैं, तो हमारे पेट इतना, हम इतने इम्यून है ना कि हमें बाली बैली नहीं हो रही. सबको हो सकती है, फिरंगों को हो सकती है, हमें बाली बैली नहीं हो रही. सो बट स्टिल सेफर साइड के लिए ट्रैवलर्स डायरिया और ये सब की आप मेडिसिन रख लीजिएगा. ओके, इसके बाद कुछ हटके आइटम्स जो मैंने रखे थे अपने ट्रिप में, मेरे लिए बहुत यूजफुल थे. सो आप एक अच्छी सी हैट या फिर एक कैप अपने लिए परचेज कर लीजिएगा, बिकॉज बहुत ज्यादा धूप होती है, अगर आप लोग टू व्हीलर में ट्रैवल कर रहे हैं ना तो आप बिल्कुल परेशान हो जाएंगे. सो एक अच्छी सी कैप या हैट एंड अच्छे से शेड्स बहुत हेल्प करने वाले हैं. शेड्स तो लिटरली मैंने पूरी ट्रिप से उतारे ही नहीं, बिकॉज आंखें जलने लगती हैं अगर आप इतने लंबे टाइम तक टू व्हीलर पर बैठते हैं तो. इसके अलावा अगर आप कोई
बहुत ज़्यादा अगर आपको पसंद है अपने बाल बनाना वगैरह एंड आपको बहुत ज़्यादा ऐसे यू नो प्रॉपर बन के घूमना है तो आप कोई एक हेयर इक्विपमेंट रख सकते हैं। ऑनेस्टली मैंने कुछ भी अपने साथ रखा नहीं था, ना स्ट्रेटनर रखा था ना कर्लर रखा था, बिकॉज मेरे ऑलरेडी बहुत वेवी से बाल हैं आप देख रहे हैं तो कोई सेंस नहीं बनता। हाँ ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, मैं कोई रख भी लूँ तो वो बाद में थोड़े टाइम बाद वैसे ही फ्रिज हो जाते हैं, तो मैंने नहीं रखा था। बट इफ़ यू वॉन्ट यू कैन कीप इट विथ यू। इसके अलावा मेकअप में आप बहुत बेसिक मेकअप रखिएगा, आई एम गोना टेल यू, आपको बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप यूज़ नहीं आने वाला। आप रख भी लेंगे ना तो ऐसा नहीं कि आप बहुत हाई कवरेज फाउंडेशन रख रहे हैं, ढेर सारे आई शेडोज रख रहे हैं, इट्स नॉट गोना लाइक बिल्कुल ज़रूरत नहीं अननेसेसरी अपना बैक का वेट बढ़ाने की। आप लोग चाहें ना तो बहुत बेसिक सा अपने एक फाउंडेशन या सीसी क्रीम, नॉर्मल से एक आई शेडो, ब्लश एंड एक दो लिपस्टिक्स पटक सकते हैं, यू विल बी गुड। मस्कारा रख लीजिएगा, बस दैट्स इट। बहुत अपनी बड़ी वाली किट रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट यूजफुल अनटिल एंड अनलेस यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ क्लबिंग। अगेन आई एम टेलिंग यू, मैंने बहुत ज़्यादा क्लबिंग नहीं करी, इनफैक्ट मैं सिर्फ एक ही दिन क्लब गई थी। सो वहाँ का ऐसा रहता है ना, और ऐसा रहता है ना कि वहाँ सभी झल्ले घूम रहे होते हैं, एंड स्पेशली जो इंडिया के अलावा टूरिस्ट आए हुए होते हैं ना, उन लोगों को तो आप देखेंगे तो वो तो आप इतने ज़्यादा एक दे जस्ट रोम अराउंड शर्टलेस दे, तो आपको बिलीव में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सो बहुत मेकअप वेकअप जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आप लोग एयरबीएनबी में रुकने वाले हैं, सो आई वुड सजेस्ट कि आप मैगी का बड़ा पैकेट रख लें। हमें बहुत 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 हेल्प किया था मैगी के बड़े पैकेट ने, बिकॉज यू नेवर नो कब खाने की शॉर्टेज हो जाए, कब आपके रेस्टोरेंट्स नहीं मिले या मे बी कब रेस्टोरेंट्स बंद हो जाए। सो यू नीड टू हैव अ बिग पैकेट ऑफ मैगी विथ यू। एंड अगर आप लोग चाय कॉफ़ी एडिक्ट हैं कुछ भी, तो आप अपने साथ उसके भी सैशेज या छोटी बॉटल रख लें, तो खाने पीने का सामान आपके पास होना चाहिए, बिस्किट्स रख लीजिए, थोड़े बहुत नमकीन रख लीजिए। सो इसके अलावा मैंने अपने साथ एक बेडशीट भी रखी थी, बिकॉज कई बार एयरबीएनबी जैसे दिखते हैं ना साइड पे वैसे होते नहीं है। अगर मुझे डर्टी बेडशीट्स मिल जाती ना, सो इट्स माय पेट पीव, मैं बिल्कुल डर्टी बेडशीट्स आई कैन नॉट स्टैंड। सो मैंने एक बड़ी डबल बेड की बेडशीट भी रखी थी अपने साथ। सो चलिए अब हम बात कर लेते हैं सबसे लास्ट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की, जो बिल्कुल आपको भूलना नहीं रखना, वो है डॉक्यूमेंट्स। सो डॉक्यूमेंट्स में आपको पासपोर्ट रखना है अपना सबसे पहले ऑब्वियसली, एंड पासपोर्ट की आप एटलीस्ट 4 प्रिंटआउट्स करवा के रख लीजिएगा सेफर साइड के लिए, बिकॉज आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप अपना ओरिजिनल पासपोर्ट लेके ट्रैवल ना करें। अगर आप यहाँ से वहाँ बाली में घूम रहे तो नो, आप उसको अपने होटल के लॉकर में या अपने बैग के लॉकर में या आप जहाँ पे भी रुक रहे हैं सेफली घर पे रख के चाहिए, बिकॉज बाहर बहुत रिस्की हो जाता है। ओके, इसके अलावा आप अपने कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के प्रिंटआउट्स रखिए, एटलीस्ट 4 प्रिंटआउट्स, बिकॉज कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बिना भी आपका काम नहीं चलने वाला है। सो थर्ड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आता है आपका हेल्थ / ट्रैवल इंश्योरेंस। तो आप हेल्थ इंश्योरेंस या ट्रैवल इंश्योरेंस बोलते हैं उसको शायद से, हाँ वो आप ले ही लीजिएगा, वो शायद 300-400 रुपीज में आ जाएगा, जिसमें आपको 25,000 USD का कवरेज मिलता है, कोविड कवरेज भी रहता है उसमें, हमने फोन पे से परचेज किया था। सो वो भी आपके लिए बहुत काम आने वाला है, हालांकि इट्स नॉट मैंडेटरी बट यू शुड हैव अ ट्रैवल इंश्योरेंस, बिकॉज यू नेवर नो कब आपको ज़रूरत पड़ जाए। सो इट्स बेटर टू बी सेफ देन टू बी सॉरी। सो मैं हमेशा सेफ रहना ही प्रिफर करती हूँ। सो आई थिंक यही था मेरी चेकलिस्ट में। सो अगर इन सब के अलावा भी आपको कोई डाउट है, सो जस्ट आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल क्लैरिफाई दैट डाउट फॉर यू गाइज। आई थिंक दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। सो ये वीडियो मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। कोई और आपको बाली से रिलेटेड डाउट हो तो डू आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन, आई वुड लव टू मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर यू गाइज। एंड अगर वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो, तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। आई विल सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन स्टे सेफ एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।